चंबा जिला के पहाड़ी इलाकों में देर रात जमकर भारी बारिश हुई, जहां एक तरफ लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है तो वहीं दूसरी ओर किसान काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि चंबा जिला के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों किसानों ने मक्के की फसल बीजी हुई है और बारिश नहीं होने से मक्के की फसल सूखने की कगार पर पहुँच गई थी, जिससे किसान काफ़ी परेशान हो गए थे। लेकिन देर रात हुई भारी बारिश से किसानों ने राहत की सांस ली है। वहीं आपको बता दें कि अक्सर पहाड़ी इलाकों में किसान एक ही फसल लगाते हैं और इसके लिए किसान प्राकृतिक रूप से होने वाली बारिश पर निर्भर रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था कम होने से अक्सर मक्के की फसल के किसानों को प्राकृतिक रूप से होने वाली बारिश का इंतजार करना पड़ता है। यही कारण है कि बारिश होने के बाद किसानों ने अपने खेतों में मक्के की फसल की गुड़ाई का कार्य शुरू कर दिया है। इसके बाद दूसरी गुड़ाई करीब 2 सप्ताह के बाद की जाएगी। वहीं दूसरी ओर किसानों का कहना है कि काफ़ी दिनों के बाद बारिश हुई है, इससे हमारी मक्के की फसल के लिए लाभ होगा, क्योंकि बारिश नहीं होने से हमारी मक्के की फसल सूखने लग पड़ी थी। अब बारिश होने के बाद गुड़ाई शुरू कर दी जाएगी, इससे काफ़ी लाभ मिलने वाला है। सर देखिए, देर रात को भारी बारिश हुई है, ऐसे में पहाड़ी क्षेत्र के लोगों ने गर्मी से जो उमस पड़ी हुई थी उससे राहत की सांस ली है। दूसरी ओर अगर हम पहाड़ी क्षेत्र के किसानों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में अभी किसानों द्वारा मक्की की गुड़ाई का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि आपको बताते चलें कि बारिश न होने के चलते मक्की की फसल भी सूखने की कगार पर आ गई थी और किसान काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो उठे थे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में मक्की की फसल ही किसानों की प्रमुख फसल होती है और इसी के ऊपर जो है परिवार का पालन पोषण होता है, जिसके चलते देर रात को भारी बारिश हुई है और किसानों ने एक तो गर्मी से राहत ली है, दूसरी जो मक्की के ऊपर ये बारिश हुई है इससे भी मक्की की फसल को जो है वो अब अच्छा आने वाले समय में इसका दिखाएगा कि अच्छी फसल होगी। और मक्की की फसल की अभी गुड़ाई शुरू कर दी है किसानों द्वारा और ये बारिश तो एक तरह की संजीवनी कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिना बारिश के मक्की की फसल पूरी तरह से सूख उठी थी और किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अगर इस तरह के हालात बने रहेंगे तो आने वाला जो समय है वो किस तरह का रहेगा, फसल होगी भी या ना होगी, तो काफ़ी चिंतित हो उठे थे। लेकिन बारिश हुई है और इसके चलते जो है वो किसान काफ़ी ज़्यादा खुश है।